कौन हो तुम लोग? अबीर! खुशी, जाके लाइट्स ऑन करो। भाग! अरे! अभी! अभी हमें इतना देखो, अभी तुम बेहोश नहीं हो सकते। अभी आंखें खुली रखो, अभी बहुत ज्यादा खून आ रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। अभी मैं एक मिनट। गणपति बप्पा मोरिया, अभी मेरी तरफ देखो, अभी चलो मेरे साथ। अभी अभी चलो, अभी 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 नहीं नहीं, अभी तुम्हें बेहोश नहीं होना। अभी कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज बेहोश मत होना। जब तक तुम बोलती रहोगी, मैं बेहोश कैसे हो सकता हूँ? खुशी, इस वक्त में मजाक सोच रहा है अभी तुम्हें? On the verge of dying, मैं मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे। अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं होगा, बस चलते रहो। जी पंडित जी, ठीक है। एक सेकंड। वो कह रहे थे कि दोनों बच्चों की कुंडलियां लगेंगी। हेलो मैडम, वो क्या हुआ? घबरा क्यों रहे हो? काम पूरा हो गया ना? वो काम नहीं हो पाया मैडम। क्या? पैसे एडवांस में देने के बावजूद? मैडम हम काम तो तमाम कर ही देते अगर वो लड़का बीच में नहीं आता। कौन सा लड़का? अबीर नाम का लड़का था मैडम, वो बीच में आ गया और उसे चाकू लग गया मैडम। क्या? अबीर को चाकू मार दिया? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ अबीर को? घर से फोन आया था प्रताप, नौकर ने बताया कि घर में कुछ लोग घुस आए थे चोरी करने के लिए, और खुशी को बचाने के चक्कर में अबीर को चाकू लग गया। खुशी, अगर तुम्हें बाइक या गाड़ी चलानी आती ना आज,
तो हम हॉस्पिटल आराम से पहुंच चुके होते। अबीर प्लीज तुम चुप रहोगे, हमें सबसे पहले कोई टैक्सी या ऑटो देखना पड़ेगा। अभी अभी मेरी तरफ देखो, तुम बेहोश नहीं हो सकते अभी, तुम्हें जागे रहना होगा अभी, यहाँ पे कोई ना कोई टैक्सी मिल जाएगी, तुम आंखें खोलो अभी प्लीज। अगर कुछ बोलता हूँ तो मुक्ति हो, चुप हो जाओ, चुप होता हूँ तो बोलती हो कि बात करते रहो। तोशी ये क्या है, चोट तुम्हें भी लगी है? नहीं अभी, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ना तो यहाँ पे कोई ऑटो दिख रहा है, ना टैक्सी, ना कोई इंसान। भाई साहब प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को किसी ने चाकू मार दिया, मुझे इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, प्लीज मदद कीजिए। सॉरी। अरे अगर आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए टाइम है वीडियो, तो फिर आप हमारी मदद नहीं कर सकते। कौन पड़ेगा इस झमेले में? अरे लेकिन खुशी प्लीज, कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ बोलने का, आजकल दैट्स द रियलिटी, लोग दूसरों की हेल्प करने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग करते रह जाते हैं। इंसान मरे तो मरते रहे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर रहूंगी किसी भी हाल में, तुम प्लीज बेहोश मत होना। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? प्रताप मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं हमारे बेटे के साथ क्या हुआ होगा। इस पागल की वेट क्यों कर रहे हैं? हमारे बेटे की बात है, come on, let's go. How insensitive, Kamini. एक तो ये पागल नहीं, ये भी उतना ही concerned और परेशान है जितनी कि तुम, समझी? कार्तिक जी, मैं करता हूं। God. ये लीजिए, चलो। अपनी आंखें खुले रखो अबीर। मेरी मदद कीजिए प्लीज। अबीर, अबीर, खुशी, खुशी। ओह माय गॉड, ब्लड। अबीर, अबीर, वेयर आर यू? अबीर, अबीर, प्रताप जी, ये रमेश। अरे उठो उठो भाई साहब। रमेश,
रमेश उठो 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 भाई साहब उठो। मैं अबीर को फोन करती हूँ। अरे तब फोन तो यही बज रहा है। मैं पानी लेके आता हूँ। ओह माय गॉड अबीर का फोन तो यही है। उठो उठो भाई साहब आप पानी डालिए मैं खुशी को फोन करता हूँ। उठो भाई साहब उठो। अरे उठो भाई साहब। खुशी का फोन तो ऊपर ही था और ऊपर कोई भी नहीं है। उठो उठो उठो। अरे ये सब क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गए बताओ? वो खुशी मैम घर पे अकेली थी और कुछ लोग घर में घुस आए और मेरे सर पे पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। मेरा बेटा कहाँ है? अबीर बाबा तो घर पे थे ही नहीं, मैडम अकेली थी। Oh my God, my son, प्रताप प्लीज कुछ करो, पुलिस को फोन करो, मेरे बेटे को, हमारे बच्चों को बचाओ। I don't know ये सब कैसे हुआ, but just clear this. Be quiet. हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रताप धर्म अधिकारी बोल रहा हूँ। गणपति पापा मेरी खुशी को कुछ ना हो। गणपति पापा देखिए आप शांत हो जाइए। सिस्टर इन्हें ओटी मिले और इमीडिएटली। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। सिस्टर मास्क लगाओ, मास्क। देखिए, he is very serious. सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है उनकी। घाव गहरे हैं और ब्लड लॉस भी काफी हो चुका है। इन्हें जल्दी से जल्दी ब्लड चढ़ाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि कॉमन नहीं है और अभी हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। आप उन्हें यहाँ कैसे लाई?
उस खाट पे और अब अपना ब्लड दे रही है इस हाल में। मेरी चोट बहुत छोटी सी है, वो ठीक हो जाएगी। आप प्लीज मेरा ब्लड ले लीजिए। आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं जो उन्हें ऐसी वाइफ मिली। बट आप कैसे ब्लड देंगी? आई मीन चोटें तो आपको भी काफी आई हुई हैं और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत तो आपको भी है इस वक्त। डॉक्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप किसी भी तरह मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, प्लीज मेरा ब्लड ले लीजिए। ओके सिस्टर, इन्हें ले जाओ। रुक क्यों गई? ब्लड क्यों नहीं लिया आपने? एक डोनर से बस एक ही बॉटल ब्लड ले सकते हैं हम। दूसरी बॉटल के लिए ब्लड बैंक में फोन किया है। हाँ, लेकिन वहाँ से आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मेरा ब्लड तो अवेलेबल है ना यहाँ पर। देखिए सिस्टर, मेरे हस्बैंड की हालत बहुत क्रिटिकल है, आपको उनकी जान बचानी होगी। आप प्लीज मेरा ब्लड ले लीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे में आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन मैं खुद परमिशन दे रही हूँ आपको ये करने के लिए। प्लीज ब्लड ले लीजिए मेरा। और रुकिए, फिर आप इस फॉर्म में पहले साइन कर दीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे मना करने के बावजूद आप नहीं मानी, और अगर गलती से भी आपको कुछ भी हो जाता है तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। लीजिए। बहुत ही वीक फील कर रही हैं। चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे एक फोन करना है पहले। ये पर्स मिला है। इस आदमी को जानते हैं आप लोग? नहीं, हमने नहीं देखा ऐसे कभी। वीरन, मुझे लगता है ये उन्हीं में से किसी एक का पर्स है जिन्होंने ये हमला किया है। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ये आदमी अटैक कर सकता है, I'm sure। हवलदार जी। सर, ये काम करो, ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और पता करो कि ये कौन है। एक बार हाथ में आ गया ना तो दो लगते ही सब कुछ सच बता देगा। I just need some water। मुझे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है। I'll just come back। खुशी, खुशी तू ठीक है ना? खुशी तू कहाँ है? बता, जल्दी बता खुशी। पापा, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ और अभी मेरे साथ ही है।
ठीक है खुशी, प्रताप जी मेरे साथ है, हम लोग आते हैं हॉस्पिटल। ओके ओके पापा। क्या हुआ कार्तिक जी, क्या कह रही थी खुशी? हम लोग को जाना होगा सिटी हॉस्पिटल में। फूल, खुद तो मरोगे नशे में मर पाओगे। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, खुशी की जगह इस बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और तो और इतना बड़ा सबूत छोड़ के मेरे घर में अपना वॉलेट। पुलिस के हाथ लग गया है वो, मेरा कहा मानो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ शहर से, क्योंकि सारे शहर की पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है। अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं भी फंस जाऊंगी। इडियट।